नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 की रिमझिम पुस्तक से अध्याय 10 क्यों जीमल और कैसे कैसलिया का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के रचनाकार हैं सुबीर शुक्ला जी। तो आइए शुरू करते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं क्यों जीमल। बात बात पर पूछ देते हैं, क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं। पता नहीं क्यों, और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई। आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे, कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, बिखरेगा यानी फैलेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। फुर्र हो चुके हैं यानी चले गए हैं। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज हम लोगों ने इस मज़ेदार कहानी के साथ साथ आटा सानना और रोटी पकाना भी सीखा। आज का हमारा गृहकार, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करके लिखिए। नाम, मक्का,
बाजरा, चना, इन सब का वजन भी लिखिए और इनका दाम भी लिखिए। धन्यवाद।